गोपालगंज जिले में पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने हथवा एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में मीरगंज थाने के नरेनिया में छापेमारी कर सिवान के एक कुख्यात को कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सिवान जिले के मुफस्सिल थाने के विशुनपुर रामपुर का रहने वाला है। मामले में पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने बताया कि वह कार्बाइन को लेकर मीरगंज थाना क्षेत्र में बिक्री करने पहुंचा था। गुप्त सूचना मिलने पर हथवा अनुमंडल के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। इसके तुरंत बाद एसआईटी ने नरेनिया के पास छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके पास से एक कार्बाइन, एक मैगजीन, 9 mm बोर का 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मीरगंज में किसी के यहाँ कार्बाइन की सप्लाई करने पहुंचा था। इसके दो चरण शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने संपन्न कराया है। उसको और भी अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए गोपालगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी माझागढ़ से 2 जो शातिर अपराधी थे उनके साथ पास 2 हथियार मिला था, उनको जेल भेजा गया। और हथुआ अनुमंडल में हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में ये कार्रवाई लगातार चल रही थी। और इसी सिलसिले में कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक दिलीप शर्मा, जो बिशुनपुर रामपुर का रहने वाला है, सिवान जिले का मुफस्सिल थाना अंतर्गत, वो एक बड़ा हथियार लेके और जा रहा था कुछ घटना करने के लिए। उसी दौरान हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको गिरफ्तार किया और हम लोगों ने एक कार्बाइन और 9 mm का कार्ट्रिज बरामद किया। और इस पूरे हथियार की जो सप्लाई चेन है उसके बारे में लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और इसमें जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस सामने आए हैं उस पर काम हो रहा है। और इस ये जो पूरी कार्रवाई हुई ये हमारे एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में हुई और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ के द्वारा, जिसमें इंस्पेक्टर जो सर्वेंदर हैं एसटीएफ के और इंस्पेक्टर बीरेंद्र जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं मीरगंज अंचल के, और सब इंस्पेक्टर छोटन जो मीरगंज के एसएचओ हैं, नियाज अहमद सब इंस्पेक्टर जो मीरगंज में पदस्थापित हैं, और अन्य जो हमारे जवान थे उनके उनकी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग आगे भी पूरी ताकत के साथ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ये नरेनिया करके एक जगह है, नरेनिया, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और अभी पूछताछ चल रही है। अभी जो भी जानकारी सामने आएगी तो उसमें हम लोग साझा करेंगे। धनंजय कुमार, न्यूज़ लाइव, गोपालगंज।